ये देखिए कितने प्यारे पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होम कुकिंग फूड सीरियल्स में आपको खुशामदीद। क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैंने पालक और आलू के पकौड़े बनाने हैं जो बहुत मज़े के बनते हैं। तो आज की रेसिपी पालक और आलू के पकौड़े। तो इसमें ये सारी चीज़ें डलेंगी, सूखा धनिया एक चम्मच, ज़ीरा एक चम्मच, अनारदाना एक चम्मच और दादर मिर्च भी एक चम्मच, एक चम्मच नमक, एक चम्मच लाल पिसी मिर्च और हरे धनिए को और पालक को काटते हैं और फिर इसे मिक्स करेंगे। और इसमें मैं अब आलू डालूंगी, ये एक किलो हमारे आलू हैं जो मैंने ये साइज़ के काट के रखे थे। और पालक और धनिया को मैंने काट लिया, अब इसमें डाल दूंगी। एक ही जगह मैंने काट लिया था धनिया और पालक को भी, अच्छी तरह से साफ करके डाल दूँगी इसमें। और ये सारा मसाला जो मैंने अभी आपको बताया था ये कितनी मकदार में, और एक पाव बेसन जो मैंने छान के साफ करके रखा था, और ये हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर दूँगी और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो पालक डाली है ना उसने खुद ही पानी मौजूद होता है खुद ही उसके अंदर, तो ये थोड़ी देर के बाद बिल्कुल ही नरम से हो जाएंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे 10 या 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ओके व्यूवर्स, तो ये देखें अब हमारा पकौड़ों का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी ताकि इसमें कलर और प्यारा आ सके। और ये इसमें मैंने बिल्कुल आधे से भी कम चम्मच हल्दी डाली और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो 5-10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें डालूंगी घी, जिससे आपके पकोड़े बहुत नरम बनेंगे, इतने नरम और सॉफ्ट बनेंगे कि अकड़ नहीं जाएंगे जिस तरह से दूसरे पकोड़े अकड़ जाते हैं। घी डालने से बहुत नरम पकोड़े बनेंगे। तो ये फ्राई करने से पहले हमने इसमें घी डाला है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, तो ये देखिए अब मैं इसमें डालूंगी घी, पकौड़ियों को करेंगे फ्राई। तो ये ऑयल हमारा अब गर्म हो चुका है घी, तो इसमें डालेंगे अब पकौड़े, हाथ के साथ ही डाल लेंगे क्योंकि ये इतना नरम नहीं है, इसलिए हाथ के साथ ही इसको निकालेंगे। और ये बहुत मज़े के बनते हैं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। घी आज तक भी किसी ने डाला होगा पकौड़ों के मसालों में, और घी डाल के बहुत नरम बनते हैं। और अब इनकी साइड चेंज करेंगे, ये देखें एक साइड हो चुकी है इसकी पकौड़ों की, और अच्छे तरीके से इनको हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ इसके नीचे आग नहीं लगानी क्योंकि ये जल जाएंगे, जलते नहीं मज़ा आएगा आपको। ओके व्यूअर्स, तो ये देखें हमारे यहाँ पकौड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं ब्राउन ब्राउन से, और इनको हल्की आंच पे मैंने फ्राई किया है, बिल्कुल भी नहीं जले और ब्राउन ब्राउन से हो गए हैं। और अब इन्हें निकाल लेंगे से बाहर। बिस्मिल्लाह, ये देखिए कितने प्यारे पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह।